राजनीति का केंद्र भले ही दिल्ली रहा हो, लेकिन इस राजनीति को ताकत देश के छोटे छोटे उपकेंद्रों से मिलती रही है। उत्तर प्रदेश का अमेठी संसदीय क्षेत्र सत्ता का ऐसा ही एक उपकेंद्र है, जहां से निकली वोट की ताकत दिल्ली की गद्दी पर प्रधानमंत्री बैठा चुकी है। अमेठी नेहरू गांधी परिवार का परंपरागत चुनावी क्षेत्र रहा है। यहाँ की सियासत इसी परिवार के इर्द गिर्द घूमती है। इस वक्त इस सीट से कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं। राहुल गांधी के मुकाबले में खड़ी हैं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। 6 मई को यहां वोट डाले जाने हैं। बात अगर राजीव गांधी की करें तो जब राजीव गांधी इस दुनिया को अलविदा कह चुके थे, उस वक्त चुनाव बेहद ध्रुवीकरण भरे माहौल में हो रहा था। चंद्रशेखर 6 मार्च 1991 को इस्तीफा दे चुके थे। देश में मंडल और कमंडल का दौर था। सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और जातीय गोलबंदी अपने चरम पर थी। बीजेपी की अगुवाई में राम मंदिर का आंदोलन पूरे उफान पर था, तो वहीं मंडल आयोग की सिफारिशों ने देश में अगड़ों पिछड़ों के बीच वैमनस्य की खाई को बढ़ा दिया था। भारत जातीय और धार्मिक गोलबंदी के बीच पिस रहा था। नेहरू गांधी परिवार से जुड़े होने की वजह से इस सीट से कई कहानियां जुड़ी हैं। ये कहानियां भारत के संसदीय लोकतंत्र के विकास की कहानी है। ऐसी ही एक कहानी 1991 से जुड़ी है, जब एक उम्मीदवार अपनी सीट पर जीता तो जरूर था, लेकिन जीत का जश्न मनाने के लिए वो मौजूद नहीं था। चुनाव नतीजे घोषित होने से कुछ ही दिन पहले उनकी हत्या हो गई थी। इस शख्स का नाम राजीव गांधी था, जो साल 1991 में बैच वो साल 1991 था। 10वीं लोकसभा के गठन के लिए चुनाव की घोषणा हो चुकी थी। देश के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बेटे राजीव गांधी अपनी परंपरागत सीट अमेठी से चुनाव लड़ रहे थे। माहौल बेहद करवाहट भरा था। इस करवाहट भरे माहौल में लोकसभा चुनाव हो रहे थे। मतदान का पहला चरण 20 मई 1991 को हुआ। पहले चरण में 211 सीटों पर मतदान हुआ। तब कुल 534 सीटों के लिए वोट कराए जा रहे थे। अगले दिन यानी 21 मई की मनहूस शाम को चुनाव प्रचार के दौरान चेन्नई से 40 किलोमीटर दूर श्री पेरुम्बदूर में लिट्टे के दहशतगर्दों ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की मानव बम के जरिए हत्या कर दी। इस दर्दनाक वाक्य से पूरा देश सन्न रह गया। इस अप्रत्याशित घटनाक्रम के बाद चुनाव स्थगित कर दिए गए। आखिरकार 12 और 15 मई को बाकी बची 323 सीटों पर चुनाव हुए। इस चुनाव के नतीजे भी दिलचस्प रहे। जिन क्षेत्रों में मतदान राजीव गांधी की हत्या के पहले हुआ था, वहां कांग्रेस की हालत खास्ता थी, लेकिन जहां मतदान राजीव गांधी की हत्या के बाद हुए, वहां कांग्रेस के पक्ष में जबरदस्त सहानुभूति देखने को मिली। राजीव गांधी अपनी सीट अमेठी से मरणोपरांत विजय घोषित हुए। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक उन्हें 1,87,138 वोट मिले। उन्हें कुल वोटों का 53.23% वोट मिला। दूसरे स्थान पर रहे बीजेपी के रविंद्र प्रताप, उन्हें 75,053 वोट मिले। राजीव गांधी को चुनाव आयोग ने 1,12,085 वोटों के मार्जिन से विजयी घोषित किया। कांग्रेस को इस चुनाव में 232 सीटें मिली। बाद में पंजाब के 12 सीटों पर चुनाव करवाए गए। सभी 12 सीटें कांग्रेस ने जीती। लोकसभा में कांग्रेस के कुल सदस्यों की संख्या 244 हो गई। राजीव गांधी के चले जाने के बाद नरसिम्हा राव कांग्रेस संसदीय दल के नेता बने। संसदीय दल का नेता बनने के बाद नरसिम्हा राव ने गजब का पॉलिटिकल क्राफ्ट दिखाया। छोटी छोटी पार्टियों का समर्थन जुटाकर उन्होंने कांग्रेस की ओर से सरकार बनाने का दावा पेश किया, जिसे राष्ट्रपति ने स्वीकार कर लिया। उनकी अगुवाई में अल्पमत की सरकार पूरे 5 साल तक चली। इधर अमेठी में फिर से उपचुनाव कराया गया। इस बार यहां से कांग्रेस के टिकट पर कैप्टन सतीश शर्मा चुनाव लड़े और जीत हासिल की। चुनाव की हर खबर मिलेगी सीधे आपको SPN9 न्यूज पर। चुनाव की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें SPN9 न्यूज।